और नवंबर से नवंबर के सिडको के प्रदर्शनी भवन में 16वें प्रॉपर्टी एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई के कई नामी गिरामी बिल्डरों ने तो हिस्सा लिया ही, साथ साथ सिडको के एमओडी और भाजपा की एक विधायिका ने भी इस प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। नवंबर के सिडको के प्रदर्शनी भवन में 16वें प्रॉपर्टी एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें नवी मुंबई के नामी गिरामी बिल्डरों के साथ साथ सिडको के एमओडी संजय भाटिया और भाजपा विधायिका मंदाताई महात्रे ने भी भाग लिया। दरअसल चार दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में 10 से 15 हजार करोड़ का व्यवसाय होने की संभावना जताई जा रही है और 300 वर्ग फुट से 10,000 वर्ग फुट तक फ्लैट की बिक्री होने की संभावना भी जताई जा रही है, जिनकी कीमत 11 लाख से 20 करोड़ रुपए तक की है। वैसे इस प्रदर्शनी में सैकड़ों लोगों के आने की आशंका के चलते यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद की गई है। पेश है नवी मुंबई से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस बार भी आपने बहुत बड़ा सेटअप लगाया है, तो क्या उम्मीद रखते हैं कि इस बार कैसा कारोबार रहेगा आपका? बिजनेस इस बार काफी अच्छा होगा, न सिर्फ हमको नवी मुंबई के हर बिल्डर को जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया है जी, क्योंकि अपने आप में एयरपोर्ट के सब्सिडेंट्स आने की वजह से जी, और इंफ्रास्ट्रक्चर डे बाय डे बेटर होने की वजह से, और रिसेंटली जो 1 वीक बिफोर सीएम साहब ने जो अनाउंसमेंट किए सी लिंक का, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपने आप में नवी मुंबई पहले से काफी डिमांड में लगा हुआ है जी, और इन सब चीजों की वजह से इस साल की एग्जीबिशन काफी फ्रूटफुल रहेगी बिल्डर्स के लिए भी और बायर्स के लिए भी, क्योंकि बायर्स को भी इस एग्जीबिशन में एक ही प्लेटफॉर्म में काफी सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। और जहाँ तक बात है हमारे एग्जीबिशन के पवेलियन की, तो लास्ट कुछ सालों से हमने वर्ल्ड के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर 4 डेज के लिए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं उनके जैसा ही, कि लोगों को पता चले कि किस टाइप की इंटरनेशनल लाइफस्टाइल हम दे सकते हैं। अगर हम 4 दिनों के लिए 8 दिनों के अंदर इतने सुंदर स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, तो हमारा एम क्या है, हम प्रोजेक्ट्स भी किस तरीके की एमिनिटीज़ और किस तरीके को लाइफस्टाइल हम जो हम बता रहे हैं कि हम साईं वर्ल्ड सिटी पनवेल लॉन्च किए हैं, साईं वर्ल्ड एम्पायर खारगर में हमने न्यू लॉन्च किया है, साईं वर्ल्ड रिट्रीट लोनावाला में हमारी विलास की आ रही है, तो जो हम बता रहे हैं वो हम किस प्रकार से दे पाएंगे, तो ये उसकी एक छोटी सी झलक है जो हमने यहाँ पर क्रिएट की है। लास्ट ईयर हमने बाली फ्लोटिंग कबानास बनाए थे, और उसके लास्ट ईयर हमने रोम का कोलिजियम बनाया था यहाँ पर, जिसके लिए काफ़ी सारी भीड़ उठ रही थी, और इस बार भी हमने खजान कैथेड्रल बनाया है, ये रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग की जो पार्लियामेंट है उसका एक आउटसाइड का जो फसाड है उसका स्ट्रक्चर है, तो ये हमने उस बार उसको डिज़ाइन किया है। और ऑलरेडी मॉर्निंग से मैं जब आ रहा था, एंट्री लिया था, तो तभी से ही मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पूछते हुए आ रहे हैं कि पैराडाइज का पवेलियन क्या है, और मुझे सुन के बहुत खुशी।